गोरखपुर के एसएसपी सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज का तबादला इलाहाबाद कर दिया गया है। एसएसपी के तबादले के बाद रविवार को पुलिस के अधिकारी और शुभचिंतक उनके आवास पर पहुंचकर उनके साथ किए गए कार्यों को शेयर किए। गोरखपुर में मात्र 8 महीने के कार्यकाल में एसएसपी ने अपनी कार्यशैली से पुलिस और जनता के बीच अमिट छाप बना ली थी। क्राइम पर कंट्रोल और सोशल पुलिसिंग पर जोर देकर लोगों के बीच विश्वास बनाने में एसएसपी सफल रहे। तबादले के बाद अपने आवास पर गोरखपुर न्यूज से एक विशेष बातचीत के दौरान एसएसपी सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज ने कहा कि यहां के जनता, मीडिया, पुलिसकर्मियों के साथ मुख्यमंत्री को भी आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने उन्हें यह कार्य करने का मौका दिया, जिसके कारण शासन की योजनाओं के अनुरूप कार्य करने का अवसर मिला। निवर्तमान एसएसपी सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज ने इस संदर्भ में अधिक जानकारी देते हुए बताया। मैं पीतल में कोई नहीं कहा भी सोनभद्र जाना है उनको। कौन चिट्ठी कोई ले गए सर? अमित सिंह जी ने यहाँ की जनता, यहाँ की मीडिया, यहाँ के अधिकारियों, कर्मचारियों और सबसे ज़्यादा माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पे खुलकर काम करने का मौका दिया, बिना किसी दबाव के काम करने का मौका दिया और शासन की प्राथमिकताओं पर जितना संभव हो सका अपनी तरफ से अच्छा काम करने की कोशिश की है, जिसमें सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने पर्याप्त सहयोग दिया और इसके लिए मैं सबका यहाँ हार्दिक आभारी हूँ और गोरखपुर की जनता विशेष रूप से मुझे प्रिय है और उन्होंने मेरा पूर्ण सहयोग हर कानून व्यवस्था को बनाए रखने में किया। कुछ खास अनुभव सर ऐसा रहा कि लगता हो कि काम छूट गया, हमसे अधूरा रह गया, नहीं कर पाया हम इसको? हमेशा ही काम बचे रहते हैं, पुलिस कल्याण के बहुत सारे काम अभी बचे रह गए हैं और इसके अलावा कई सारे काम अभी बचे हुए हैं, उनके बारे में अलग से विस्तार से बताना यहाँ संभव नहीं है, लेकिन हमेशा ही काम शेष रहता है। कोई काम, पुलिस का काम ऐसा है जिसमें कभी भी काम बंद नहीं होता। ये जो स्वच्छ और पारदर्शी शासन व्यवस्था है, इसका लाभ उठाएं और यहाँ के अधिकारी कर्मचारी इस शासन की प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने में निरंतर योगदान देते रहें, यहाँ की जनता कानून व्यवस्था को बनाए रखने में और सौहार्द और समन्वय बनाए रखने में लगातार योगदान देती रहे, ऐसी मेरी आकांक्षा है, ऐसी शुभेच्छा है।